सपोज एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रही है, मान लो हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रही है और फोटो क्लिक करके मैंने ऐसा दिखाया है, हॉरिजॉन्टल सर्कल ही है। सपोज जब वो यहां पे थी तो वेलोसिटी वेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट, ऐसे होता है टेंजेंट, यहां पे टेंजेंट, यहां पे टेंजेंट, यहां पे टेंजेंट। और क्योंकि हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो वेलोसिटी की वैल्यू हर पॉइंट पर क्या रहेगी, सेम। कोई डाउट इसमें? दूसरा पॉइंट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा पहला, इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या वेलोसिटी चेंज होती है या नहीं होती, इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या वेलोसिटी चेंज होती है या नहीं होती। बोलो कितने लोग यस लिखेंगे, चेंज होती है, कितने नो लिखेंगे, डायरेक्शन चेंज होती है, तो आप लिखेंगे चेंज होती है, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर और चाहे उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, तो आप लिखेंगे चेंज होती है। अगला क्वेश्चन आएगा, इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है, नहीं होता, डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। डिफरेंस समझ में आ रहा है? आएगा ये क्वेश्चन, सपोज करो आपके पास कोई भी एक बॉडी है जैसे ये, और सपोज ये इसका यहां पे वेलोसिटी वेक्टर था v1 वेक्टर, ठीक है, v1 वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड तो v निकलेगा इसका, और अगले ठीक अगले इंस्टेंट पर, अगले इंस्टेंट पर इसने भी डायरेक्शन क्या कर ली, चेंज, और कितनी कर ली, v2 वेक्टर। तो आप कहेंगे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम है, हाँ बिल्कुल सेम है, अगर मैं बोलूं v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, अभी बोल देना, पर फिर वेक्टर डिफरेंट क्यों ले रहे हैं, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, क्यों डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो अगर मैं एक नया वेक्टर और लूं, ये एक नया वेक्टर है, मान लो इसका नाम है एक्स वेक्टर, और अगर मैं इसे ट्राइंगल लॉ लगाऊं तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये क्लोजिंग साइड, तो क्लोजिंग साइड कौन है, v2 वेक्टर रिजल्टेंट है v1 वेक्टर का एंड x वेक्टर का, तो x वेक्टर क्या है, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं डेल्टा v वेक्टर। तो ये बात समझ में आ रही है कि x वेक्टर कुछ नहीं है, एक्चुअल में ये क्या है, डेल्टा v वेक्टर। तो क्या ये पहला स्टेप क्लियर है, दिस इज डेल्टा v वेक्टर, राइट, समझ में आ रहा है यहां तक। तो ये जो वेक्टर है दिस इज बेसिकली डेल्टा v वेक्टर, ठीक है। देखो तो ये था आपका v1 वेक्टर, टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ठीक है, और ये था आपका डेल्टा v वेक्टर। कोई डाउट इसमें? अब किसी ने पूछा डेल्टा v वेक्टर की डायरेक्शन कहां है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा v वेक्टर की जो डायरेक्शन आएगी ना, ये डायरेक्शन है, वो हमेशा हमेशा सर्कल के सेंटर पे आएगी, ये रूल है। जब सर्कल में बॉडी घूमेगी तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर कहां पॉइंट करेगा, टुवर्ड सेंटर। सिर्फ यही नहीं, कोई कहता है डायग्राम यहां क्यों बना, यहां बना के, यहां बना लो, ये लो, ये रहा आपका v1 वेक्टर, ये रहा आपका v2 वेक्टर, और ये रहा आपका डेल्टा v वेक्टर। तो डेल्टा v वेक्टर कहां पॉइंट करेगा, टुवर्ड्स सेंटर, जहां मर्जी ड्रॉ कर लेना डेल्टा v वेक्टर सेंटर की तरफ होगा। तो किसी ने पूछा कि एक्सेलरेशन वेक्टर क्या है, मैंने कहा देख डेल्टा v वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा t, ये एक्सेलरेशन है। तो उसने पूछा एक्सेलरेशन की वैल्यू या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहां पे होगी, मैंने कहा जहां डेल्टा v होगा, जहां डेल्टा v वहां एक्सेलरेशन। तो डेल्टा v सर्कुलर मोशन में कहां पॉइंट कर रहा है, टुवर्ड्स सेंटर, तो एक्सेलरेशन भी कहां पॉइंट करेगी, टुवर्ड्स सेंटर। तो इस एक्सेलरेशन का नाम क्या है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन है जिसकी डायरेक्शन हमेशा कहां पर होगी, टुवर्ड्स सेंटर। और इसका रीजन क्यों है, क्यों ये सेंटर पे है, जबकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो हमने चेंज ही नहीं किया, वी 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 लिया फिर भी ये जनरेट हो गई, इसका रीजन क्या है, डायरेक्शन। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इंपॉर्टेंट, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करने का एक ही रीजन है कि वेलोसिटी वेक्टर अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। वेलोसिटी वेक्टर अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करता, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ क्या है, डायरेक्शन। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का जो कॉज है ये क्या है, सिर्फ चेंज इन
डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? एक बात बताओ, ये बॉडी घूम रही है, इसका मास अगर m है और एक्सेलरेशन इसकी कहां पर है? टुवर्ड सेंटर है। तो अगर एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर है और इसको अगर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगी? फोर्स। और इस फोर्स का नाम क्या है? सेंट्रीपेटल फोर्स। तभी तो बोला जाता है जब किसी भी बॉडी को सर्कल में घुमाना है उसके पास कौन सी फोर्स होनी चाहिए? सेंट्रीपेटल। सेंट्रीपेटल फोर्स कहां एक्ट करती है? टुवर्ड्स सेंटर। वो क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन कहां एक्ट करती है? टुवर्ड्स। तो एक्चुअल में हम पढ़ते हैं उल्टा। होता ये है कि वेलोसिटी वेक्टर अपनी डायरेक्शन चेंज करता है तो वहां से एक्सेलरेशन वेक्टर आता है, वहां से फोर्स वेक्टर आता है। लेकिन हम ऐसे पढ़ते हैं भाई इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है। क्यों घूम रहा है जी? क्योंकि उसके पास सेंट्रीपेटल फोर्स है। सेंट्रीपेटल फोर्स कहां से आई? पॉजिटिव नेगेटिव को खींचा, ऐसे पढ़ते हैं ना। तो सेंट्रीपेटल फोर्स कहां करती है? टुवर्ड सेंटर। सेंट्रीपेटल फोर्स अगर टुवर्ड सेंटर है तो एक्सेलरेशन कहां पर है? टुवर्ड्स सेंटर। और एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर है और एक्सेलरेशन सेंट्रीपेटल है टुवर्ड सेंटर, तो इसका मतलब बॉडी ने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया हुआ है एंड इट इज मूविंग इन अ सर्कल। जैसे एक पत्थर आप रस्सी से खींच रहे हैं, घुमा रहे हैं, सर्कल में घुमाना चाहते हैं, रस्सी और पत्थर। पत्थर अपने आप कैसे सर्कल में घूम सकता? घूम नहीं सकता। आपने पत्थर को, पत्थर जाना चाहते हैं लीनियर सीधा, आपने रस्सी से लगाई सेंट्रीपेटल टुवर्ड सेंटर फोर्स लगाई, तो सेंट्रीपेटल फोर्स लगाई तो डायरेक्शन चेंज कर गया। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपेटल फोर्स ने क्या जनरेट की? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्यों होती है? चेंज इन डायरेक्शन। तो समझ में आ रहा है? और अगर आप फोर्स लगा रहे हैं सेंट्रीपेटल और एक्सेलरेशन दे रहे हैं उसे टुवर्ड सेंटर, वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा ही करेगा। आप रस्सी तोड़ दें, आपकी फोर्स खत्म, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन खत्म, डायरेक्शन चेंज खत्म, पत्थर सीधा टेंजेंशियली उड़ जाएगा, गोल घूमेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको एक्सेलरेशन मिलनी बंद हो गई। पॉइंट समझ में आ रहा है? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर क्यों होती है? कोई डाउट इसमें? आखिरी क्वेश्चन का आंसर दे जाओ बस। एक मैंने यहां पर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी लिखा, ठीक, ध्यान से देखना, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी लिखा, या मैं डीवी बाई डीटी लिखूं, इस चैप्टर में फर्क नहीं पड़ रहा, जबकि कैलकुलस में सिखाया गया था डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी या डी एक्स बाई डीटी में फर्क होता है। डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी एवरेज है, डी एक्स बाई डीटी इंस्टेंटेनियस है। तो आपने देखा पिछले एक्सप्रेशन के अंदर भी मैंने क्या किया, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, और कभी कभी मैं बोले जा रहा हूं अच्छा ये नहीं लेना, कोई बात नहीं अब ऐसे ले लो डी थीटा बाय डीटी। भाई और थोड़ी ना होता है, मर्जी थोड़ी ना किसी की कि चाहे डी ले लो, कैलकुलस लगाना है लगा दो, नहीं लगाना डेल्टा लगा दो, ऐसा तो कभी भी नहीं किया। इवन फर्स्ट लेक्चर फिजिक्स का यही बताया था कि दोनों में फर्क होता है, इस चैप्टर में फर्क क्यों नहीं है? जो मर्जी लगा दो आंसर चेंज नहीं आएगा, सही आएगा। बोलो क्यों? क्योंकि ओमेगा कॉन्स्टेंट है, तुम चाहे एवरेज निकालो चाहे इंस्टेंटेनियस निकालो, ओमेगा तो सेम ही आएगा। सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट के अंदर सेम है, अदरवाइज जब ओमेगा चेंज होगा तो इंस्टेंटेनियस ही काम आएगा, एवरेज काम नहीं आएगा, फिर काइनेमेटिक्स इतना चलेगा। समझ में आ रहा है यहां तक? ऑनलाइन क्लियर है?